Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Imad Electronic. Assalamu alaikum. आज का सबक सबक नंबर 13 है और आज का जो सबक है उसका टॉपिक होगा हमारा थ्री फेस की मोटर को स्टार डेल्टा कैसे चलाएं और उसके स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे करें, पूरा समझा दूंगा मैं एक बार कोयले बना करके भी और मोटर के तारों से भी। तो पहले लिख लेते हैं, थ्री फेस की मोटर को स्टार डेल्टा कैसे चलाएं। तो पहले तो ये समझ लेते हैं स्टार डेल्टा कब काम आता है। तो अगर थ्री फेस की मोटर है हमें और आमतौर पे 415 वोल्टेज से चलानी होती है और किसी जगह डबल फेस में 500 के करीब भी वोल्ट आ जाते हैं, यानी वोल्टेज ज़्यादा अगर होते हैं जहाँ, तो उस जगह स्टार में मोटर चलाई जाती है, स्टार कनेक्शन करे जाते हैं। क्योंकि डेल्टा कनेक्शन करेंगे तो मोटर फूकने का, हीट होने का ज़्यादा खतरा होता है। और अगर किसी जगह मान लीजिए हमें 415 वोल्ट से मोटर चलानी है लेकिन 350 या 375 वोल्ट आ रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, वहाँ स्टार की जगह डेल्टा कनेक्शन करेंगे मोटर को चलाने के लिए, तभी मोटर लोड पूरा लेगी। हमने बना लिया है, अब मान लीजिए अगर हमें ये हमारी मोटर है, मोटर की जो अंदर के कॉइल हैं ये हैं, बाकी ये ऊपर के जो मैंने R1 Y1 B1 या R2 Y2 B2 है, ये हमारे बाहर सिरे निकल गए, यानी कनेक्शन तो मोटर के हमने कर लिए हैं और बाहर निकल गए। अब जब हम मोटर बांधते हैं, भरते हैं, तब जब हम सिरे निकालते हैं, यूँ 6 तार निकालते हैं, तब क्या होता है, हमारा जो सबसे पहला सिरा होता है उससे जो हम दूसरा मल्टीमीटर से चेक करेंगे या सीरीज टेस्ट से, तब ये सबसे पहले इधर के से पहला है तो इधर भी पहला ही बोलेगा, बीच वाले से बीच वाला बोलेगा और लास्ट वाले से लास्ट वाला बोलेगा, ऐसे बोलता है, ये कनेक्ट होता है। जैसे ये देख भी रहे हैं अंदर को आयल है, सेम ऐसे ही बोलते हैं। अब क्या करेंगे, अगर हमें मोटर के कनेक्शन स्टार में निकालने होंगे, डायरेक्ट स्टार मोटर चलानी होगी, तब हम कनेक्शन कैसे करेंगे उसके, क्योंकि 6 तार हैं, 3 तारों से मोटर चलेगी। अब हमें क्या करना होगा स्टार के लिए, स्टार के लिए ये जो बीच वाली जो लीड है हमारी, बीच वाला जो सिरा है Y1 वाला, इसका क्या करेंगे, स्टार का होता तो यूं है, ये देख सकते हैं 3 एक जगह हो जाते हैं और 3 निकल जाते हैं बाहर, लेकिन मोटर में ऐसा नहीं करेंगे हम। स्टार चलाने के लिए ये जो बीच वाली लीड है इसे हम इस तरफ लाते हैं, ठीक, और इधर की जो बीच वाली लीड है वो इस तरफ लाते हैं, तभी मोटर चलती है, वरना मोटर नहीं चलती, परेशान करती है।
अब हम क्या करेंगे, जो ये बीच वाली यूनिट थी वो इधर आ गई और इधर वाली उधर पहुंच गई, उस सिरे पे पहुंच गई। जैसे ये मोटर है हमारी, अब अगर हम स्टार चलाएंगे तो ये वाई वन का इधर लाएंगे और इधर का इधर लाएंगे, यानी बीच वाली अलट पलट करेंगे आपस में, जैसे हमने ये कर ली है। अब ये जो बचे हैं दो जुटे, ये तीनों एक जगह कर देंगे इधर हम, जैसे हमने कर दी, ठीक है, और ये आपस में ऐसे ही जोड़ देंगे। बाकी जो ये तीन तार बचे हैं हमारे, एक ये बचा है, दूसरा ये है, और तीसरा ये जो हम इधर से लेकर आए थे, इधर लीड पलटकर इधर लेकर आए थे, इन्हें सप्लाई दे देंगे और मोटर चल जाएगी। अब अगर मोटर डेल्टा में हमें चलानी है, वोल्टेज कम है या लोड कम ले रही है मोटर, और डेल्टा कनेक्शन में मोटर चलानी है, तब हमें कुछ इस तरीके से कनेक्शन करने होंगे। जैसे हमारा ये R1 है, ये घूमा R2 आया इधर, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका तार हम Y1 में जोड़ेंगे, ठीक है। अब ये Y2 का जो ये सिरा है, Y2 का जो ये सिरा है, इसको हम B1 में जोड़ेंगे, ठीक है। यानी कोई सा भी फेस आपस में बंद नहीं होना चाहिए, खुला रहना चाहिए, जब सप्लाई हम दे तो बराबर बराबर सब पहुंचे। और ये जो R1 है तो ये B2 में जोड़ देंगे। अब बाकी ये जो तीन तार बने हैं, ये तीन ही बन गए, ये इनमें हम सप्लाई दे देंगे। अब देख रहे होंगे ये भी, मान लीजिए ये R1 R2 ऐसा मान लीजिए, तब हम क्या करेंगे, ये इधर से इधर गया और इससे इधर मिला और इधर से इधर मिला, सेम बिल्कुल वैसे ही ये है। सही से देख लेते हैं, मान लेते हैं ये तो गोल गोल है और ये सीधे सीधे हैं, तो देख लेते हैं यहाँ है इसका, इसको मान लेते हैं यहाँ पहुँचा ये। अब यहाँ से वाई, ये वाला भी जो सेट है ये वाई मान लेते हैं, तो वाई वन में आ गया, अब इधर वाई टू में पहुँच गया। अब वाई टू का जो लास्ट है वो बी में जाएगा, वाई टू का जो ये लास्ट है ये बी वन में पहुँचेगा, बी वन बी ये मान लेते हैं, तो ये यहाँ बी वन में पहुँचा और लास्ट आर वन में जोड़ दिया हमने, तो ये कनेक्शन होते हैं इसके। अब समझ लेते हैं ये मोटर की है, मोटर में भी सेम जैसे मैंने वहाँ बता दिए हैं, ये दो नंबर की लीड अलट पलट करनी होती है इसकी यू, बाकी स्टार बनाने के लिए ये एक जगह कर देंगे और तीन तार सप्लाई के ये निकाल देंगे हम, ये स्टार कनेक्शन हो जाते हैं हमारे। और डेल्टा जब हम करेंगे तो डेल्टा कनेक्शन कैसे करेंगे हम, आर वन वाई वन और बी वन, ये जब इसका डेल्टा कनेक्शन करेंगे तो आर वन का जो ये सिरा होगा ये घूमकर इधर आया आर वन, तो इसका हम क्या करेंगे, R1 का ये सिरा R2 बना इधर आकर, तो इसे हम क्या करेंगे Y1 में जोड़ देंगे, Y1 में जोड़ देंगे। अब ये Y2 हुआ, इसको B1 में जोड़ देंगे,
और ये बी टू जो रहा ये आर वन में जोड़ देंगे, और बाकी ये तीन फेस हो गए, तीनों फेस लगा देंगे तो ये डेल्टा कनेक्शन हो जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं सबक नंबर 14 में, जब तक के अल्लाह हाफिज़। Please my channel, subscribe and video like share. Thank you for watching my video.